गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 में लेसन 3 में ही एक नया टॉपिक का नाम है सुप्रजनन और अंडजनन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। ठीक, तो ये टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मोस्ट है ये पूछा भी जाता है, हो सकता है कि ये एक साथ ना पूछा जाए बल्कि अलग अलग पूछ लिया जाए, हो सकता है पूछ दिया जाए सुप्रजनन प्रक्रिया क्या होगी, सुप्रजनन क्रिया पर टिप्पणी पूछ दी जाए या अंडजनन की टिप्पणी जो है अंडजनन के क्रिया पर टिप्पणी पूछ दी जाए, तो ये अलग अलग टिप्पणी पूछी जा सकती है और जो है अंतर के रूप में भी पूछी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये वीडियो बताने से पहले बता दें कि जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको ज़्यादा तब समझ में आएगा जब आप पिछले वीडियो देख चुके होंगे, जो मैंने भ्रूण की आंतरिक काट की संरचना बताई थी, ठीक, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस बताई थी, और जो ओवरी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर बताई थी, जब आप इनको देखेंगे तब आपको ये प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगी। ठीक, फिलहाल आप उसको पीछे देख सकते हैं, और तो आज हम यही टॉपिक शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सुप्रजनन और अंडजनन में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, पहला इधर सुप्रजनन और इधर अंडजनन, देखिए ये प्रोसेस है, ये आपको समझाएंगे बाद में, पहले इसको समझा दें। ठीक, तो जो सुप्रजनन और अंडजनन होता है तो एक तरफ है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक तरफ है ओजेनेसिस। पहला पॉइंट क्या है, यह क्रिया वृषणों की सुप्रजनन नलिकाओं में होती है। जब मैंने वृषण की आंतरिक काट संरचना बताई थी तब बताया था कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, सुप्रजनन नलिकाओं में होता है। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। तो वही है कि यह क्रिया, यह मतलब कौन, सुप्रजनन, जो सुप्रजनन की क्रिया है वो वृषणों की सुप्रजनन नलिकाओं अर्थात सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ओके, तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, यह क्रिया अंडाशयों में होती है, ओवरीज में होती है। किसमें होती है, ओवरीज में होती है। तो यह क्रिया अंडाशयों में होती है, पहला पॉइंट तो सिंपल है। दूसरा क्या कहता है, इनकी गुणन प्रावस्था में शुक्राणुजनों अर्थात स्पर्मेटोगोनिया के समूह नहीं बनते। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इस पर इसमें जो जब इनका इनकी जो गुणन प्रावस्था आती है, इधर देखिए लिखा है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, मल्टीप्लीकेशन इसे बोलते हैं गुणन प्रावस्था। ठीक, तो जब गुणन प्रावस्था आती है तो गुणन प्रावस्था में इनके जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के समूह नहीं बनते। किसके समूह नहीं बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया के समूह नहीं बनते हैं। कब नहीं बनते हैं, मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणन प्रावस्था के समय। ओके, जबकि इसमें क्या होता है, हम लोगों ने जब ओवरी पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा था कि जो है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल, वो सब उसमें लिखा हुआ था। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सी ग्रेफिन पुटिकाओं का समूह बनता है, बहुत सी ग्रेफिन पुटिकाओं का समूह बनता है, जबकि उसमें कोई समूह बनता ही नहीं है। तो यही दूसरा पॉइंट कहता है कि इनकी गुणन प्रावस्था में अंडाणुजनों अर्थात उगोनिया के समूह अर्थात पुटिकाएं, पुटिका मतलब फॉलिकल, पुटिकाओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉलिकल बनती है। तो ये हो गया कि इनकी गुणन प्रावस्था में अंडाणुजनों अर्थात उगोनिया के फॉलिकल बनती है, समूह बनते हैं। ठीक, समूह बनते हैं, तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा क्या कहना है, शुक्रजन में इनकी वृद्धि में, वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणुजन में पीत संचित नहीं होता है। ओके, क्या कह रहा है, इनकी वृद्धि प्रावस्था में अर्थात जब ये मेच्योर होंगे, तो जब मेच्योर अवस्था आती है इनकी, तो जो शुक्राणुजन होते हैं, शुक्राणुजन कौन, देखिए शुक्राणुजन को मैंने एक बार इंग्लिश लिख दी है, शुक्राणुजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने एक बार इंग्लिश लिख दी है, अंडाणुजन की भी इस तरह लिख दी है उगोनिया, दोनों लिखा हुआ है, जहां पर इसका हिंदी नाम आए तुरंत आप पहले जान जाए कि शुक्राणुजन को इंग्लिश में स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे और अंडाणुजन को उगोनिया कहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इनकी वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणुजन में पीत संचित नहीं होता है।
अर्थात जब शुक्राणु वृद्धि करेंगे तो उनमें पीत पीत मतलब होता है पीत को इंग्लिश में बोलते हैं यॉक, YOLK। ठीक, तो इनकी वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणु जन में पीत संचित नहीं होता। अब पीत क्या होता है, आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडा देखा है, अंडे के अंदर जो पीला पीला भाग भरा होता है, अंडे के अंदर जो पीला पीला भाग भरा होता है उसको पीत बोलते हैं। क्या कभी शुक्राणु में पीत देखा है? कभी शुक्राणु में पीत देखा ही नहीं होगा क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। तो वही तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इनकी वृद्धि प्रावस्था में शुक्राणु जन्म में पीत संचित नहीं होता, यॉक संचित नहीं होता है। जबकि अंडा अंडा देखा है आपने, अंडे में पीला पीला भाग होता है अंदर, जो अंडे का पीला भाग होता है तो वो यॉक कहलाता है, तो वही होता है पीत। तो इसके यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी वृद्धि प्रावस्था में अंडाणु में पीत संचित होता है। ठीक, अब अगला क्या कहना है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक शुक्राणु जन कोशिका, शुक्राणु कोशिका कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होती है, द्विगुणित होती है। तो एक शुक्राणु कोशिका से चार पूर्व शुक्राणु, अर्थात पूर्व शुक्राणु कैसे होते हैं, अवरुद्ध होते हैं। पूर्व शुक्राणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स कहते हैं। तो पूरा पॉइंट पढ़ते हैं कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक शुक्राणु जन कोशिका द्विगुणित, ठीक, से चार पूर्व शुक्राणु स्पर्मेटिड्स बनते हैं। देखिए इसमें दिखाई दे रहा है कि एक पूर्व शुक्राणु मतलब प्राइमरी स्पर्मेटिड्स, ठीक, प्राइमरी स्पर्मेटिड्स जो होती है स्पर्मेटोसाइट हुए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से विभाजन द्वारा कितने बनते हैं, एक दो तीन चार, क्या बने, स्पर्मेटिड पूर्व शुक्राणु बने, क्या बने, पूर्व शुक्राणु बने, स्पर्मेटिड्स बने। ठीक, तो वही बात लिखी हुई है, इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से विभाजन द्वारा चार पूर्व शुक्राणु अर्थात चार स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें क्या लिखा है कि इसमें इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है, देखना इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है उसके विभाजन के फलस्वरूप एक ओसाइट बनता है, एक अंडजन कोशिका बनती है। क्या बनती है, एक अंडजन कोशिका बनती है। और एक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी मतलब एक जो है लोपिका कोशिका बनती है, एक यहाँ पर लोपिका कोशिका बनी और एक यहाँ पर। तो देखिए एक अंडाणु बना और लोपिका कोशिका कितनी बनी, जो एक ये और एक ये, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी। तो जब अंडाणु जन में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक अंडाणु जन कोशिका से, एक प्राइमरी ओसाइट से, किससे, प्राइमरी ओसाइट से क्या बनती है, एक ओटिट बनता है और दो लोबिका कोशिका बनती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि प्राइमरी ओसाइट से दो लोबिका कोशिका, ये और ये दोनों लोबिका कोशिका और एक अंडाणु, ठीक, एक अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, इसमें शुक्राणुओं का निर्माण पूर्व शुक्राणु के पायाधार से होता है। देखिए जो स्पर्म बनेंगे वो स्पर्मेटिड्स से बनेंगे, किससे बनेंगे, स्पर्मेटिड्स से बनेंगे। तो जो स्पर्मेटिड्स हैं तो स्पर्मेटिड्स में कायांतरण होगा, ठीक, स्पर्मेटिड्स में क्या होगा, कायांतरण होगा, उस कायांतरण के फलस्वरूप ही स्पर्म का निर्माण होगा। जबकि अंडाणु जन्म में ऐसी होते नहीं है, मतलब अंडजन प्रक्रिया में ऐसा होता नहीं है कि इसमें जो प्राइमरी ओसाइट है उससे सीधे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडाणु कैसा होता है, अवरुद्ध होता है, ये अंडाणु कैसा होता है, अवरुद्ध अंडाणु का निर्माण होता है, सीधे अर्धसूत्री विभाजन और कोई कायांतरण नहीं होता है। अंडजन प्रक्रिया में कोई कायांतरण नहीं होता है, सीधे अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके अंतर थे, अब इसको समझा। देखिए आपने जब वृषण की आंतरिक काट की संरचना पढ़ी थी तो उसमें था जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक, तो जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, जर्मिनल एपिथेलियम क्या होती है, द्विगुणित होती है, क्या करती है, समसूत्री विभाजन करती है और कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक, कोशिकाओं का निर्माण करती है और पहले अर्धसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं और फिर दूसरे समसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री नहीं समसूत्री विभाजन से। तो जर्मिनल जर्मिनल जो सेल है वो पहले समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनाई और दो कोशिकाओं से कितनी कोशिकाएं बनाई, चार कोशिकाएं बनाई, चार कोशिकाएं बनाई और कौन सी कोशिकाएं बनाई, स्पर्मेटोगोनिया बनाई, क्या बनाई, स्पर्मेटोगोनिया, जर्मिनल सेल ने क्या बनाया, स्पर्मेटोगोनिया बनाया। स्पर्मेटोगोनिया में से एक हम स्पर्मेटोगोनिया ले लेते हैं, जैसे एक वैसे चार, तो चार दी गई है, मैंने एक स्पर्मेटोगोनिया ले लिया,
तो जो एक स्पर्मेटोगोनिया है वो जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मॉडल का निर्माण करेगी, ठीक, किसका निर्माण करेगी, समसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक, मिटोसिस द्वारा किसका निर्माण करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगी, कौन करेगी, स्पर्मेटोगोनिया करेगी, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करेगी, किस विभाजन द्वारा करेगी, तो वो विभाजन होगा मिटोसिस अर्थात समसूत्री, देखिए ये भी टू एन ये भी टू एन, ठीक। अब ये कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी, कौन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगी, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी, प्रथम फर्स्ट मिटोटिक म्योटिक डिवीजन करेगी, डिवीजन करने के बाद कितनी कोशिका बनाएगी, दो कोशिका बनाएगी, फिर दो से दूसरा विभाजन करेगी तो चार कोशिका बनाएगी, चार कोशिका काहे की बनेगी, स्पर्मैटिड्स की बनेगी, ठीक, स्पर्मैटिड्स की बनेगी, कौन बनाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, क्या बनाएगी, चार स्पर्मैटिड्स बनाएगी जो कायांतरण के फलस्वरूप स्पर्म में बदल जाए। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आता है ओजेनेसिस, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है कि इसमें जर्मिनल सेल थी तो उसमें भी जर्मिनल सेल है, ये समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं में बटेगी, फिर दो से चार कोशिकाओं में बटेगी, तो चार कोशिकाएं काहे की बनेगी, ओगोनिया की बनेगी, काहे की बनेगी, ओगोनिया की बनेगी, इस पर काहे की बनेगी, इस पर मेटोगोनिया बन रहा था और उसमें क्या बनेगी, ओगोनिया बनेगी, ओगोनिया की एक कोशिका ले लेते हैं हम, ठीक, तो एक कोशिका क्या करेगी, जो इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी ओसाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राइमरी ओसाइट क्या कहेंगे, ये भी कैसी है, द्विगुणित है, डिप्लॉयड है, फिर ये क्या करेगी, ये फर्स्ट मिटोटिक डिवीजन करेगी, फर्स्ट प्रथम अर्धसूत्री विभाजन करेगी और दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी, इसमें से एक बड़ी, देखिए एक बड़ी है एक छोटी है, एक बड़ी जो है ओटिड का निर्माण करेगी और जो छोटी कोशिका है वो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएगी, फिर जो ओटिड है वो फिर से विभाजन करेगी समसूत्री और जिसके फलस्वरूप एक ओटिड का निर्माण करेगी और एक लोबिका कोशिका कन्वर्ट करेगी, तो इस प्रकार से दो लोबिका कोशिका बन जाएगी और एक ओटिड कन्वर्ट होगा, जो ओटिड होगा वो आगे चलकर अंडाणु में बदल जाएगा, ठीक, फिर स्पर्म और अंडाणु जो ओवम है, स्पर्म और जो ओवम है वो आपस में मिलकर फर्टिलाइजर के निषेचन कर देंगे, जायगोट का निर्माण करेंगे आगे चलकर। तो ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे के वीडियो देखेंगे, उनको समझेंगे, तब ये आपको प्रक्रिया पूरी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि जब मैंने प्रश्न की आंतरिक संरचना बताई थी तो उसमें बताया था जर्मिनल एपिथेलियम जो होती है वो ओगोनिया का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है, स्पर्मेटोगोनिया फिर आगे चलकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो स्पर्मेटिक्स का निर्माण करती है, जिसमें बताया है उसमें, ठीक। तो आप पिछला वीडियो देखें, फिर इसको देखें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के लिए, तो आप इसे समझिए, इसको लिखिए कॉपी पर, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिए, हम बताएंगे आपको, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।